सो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक और न्यू वीडियो को लेकर। यार तो देखो यहाँ पर मैं आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, भैया डीवीसी के बारे में कुछ बताओ, कुछ चेंजेस हुआ है क्या डीवीसी में? ठीक है, मैं बताऊंगा उसके बारे में आज के वीडियो में। भैया स्पॉट राउंड के बारे में बताओ, कब होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ बताओ, उसके बारे में बात करेंगे। और लोग पूछ रहे हैं भैया मेरा 10,000 रैंक आया, बहुत ज़्यादा रैंक आया है, तो मुझे क्या सीएस मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर किसी भी कॉलेज में? ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे कुछ भी सीट नहीं मिलेगा? तो यार देखो मैं आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ, एकदम अच्छे से बताऊंगा, ऐसा लगेगा कि आपके साथ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है कमेंट कर देना, आपको पता है कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, राइट, आप देख भी रहे होगे। अगर कमेंट नहीं हो रहा है तो आप मार दो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज, डीएम कर दो, या फिर टेलीग्राम पे आ जाओ, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पास कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं वीडियो को जल्दी से चालू करते हैं, क्योंकि आपको भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा भी, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर देखो वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको कुछ दो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आप ही लोगों के बारे में। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, भैया टेंशन हो रहा है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। यार देखो टेंशन नहीं लेना, आपको लाइफ कुछ ना कुछ चांस देगी, चिंता नहीं करो, बस आपको ग्रैब करना है, टेंशन मत लो, आपको जरूर सीट मिलेगा। अगर आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहा है तो मैं बताऊँगा आपको फिर कौन सा कॉलेज में कैसे क्या करना, सब चीज़ मैं बताऊँगा, टेंशन बस नहीं लेना आपको। ठीक है, बस आप बस एक प्रोसेस जो चल रहा है अभी उसको चलने दो, काउंसलिंग में अप्लाई करो, सब चीज़ करो, आपको कुछ ना कुछ तो आपका हो जाएगा, फिर वहाँ पर चिंता मत करो, मैं आपको सब चीज़ गाइड करने वाला हूँ, राइट। तो और नेक्स्ट चीज़ देखो क्या होता है कि अभी क्या सीन है, देखो अभी आपका काउंसलिंग वगैरह चल रहा है, आपका सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्या होने वाला है, आप कॉलेज में जाओगे, पढ़ाई करोगे, कोडिंग सीखोगे, राइट, आप बहुत सारी स्किल सीखोगे, तो अब आपको गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपको पूरी गाइड यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो आपको सबसे पहले चीज़ क्या कर लेना, आपको जो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, आप उसको क्लिक कर लो। मैं ये अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, आप ही लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर करूँगा। आपको ये भी पता होगा कि मैं यहाँ पर कोडिंग के ट्यूटोरियल्स भी बनाता हूँ, तो आपको सभी चीज़ यहाँ पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर देखो, मैं कोडिंग के वीडियोज़ भी बनाता हूँ, तो आपको कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली, कॉलेज के सब्जेक्ट से लेकर सभी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, राइट, तो आपका वहाँ पर वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब सेकंड चीज़, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दिया हूँ आपको। देखो क्या होगा, टेलीग्राम में आप जब कॉलेज में जाओगे, कोडिंग में कुछ भी डाउट में फंसोगे आप, तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पर रख देना है टेलीग्राम के चैनल में। अब मैं अपने कुछ अच्छे फ्रेंड्स को जो अच्छे अच्छे यहाँ पर है कोडिंग वगैरह, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ करूँगा, जिससे वो क्या होगा, वो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और मैं भी आकर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पूरे कॉलेज 4 साल मैं आपके साथ रहूँगा, आपको कुछ भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली, राइट। तो ये दो चीज़ आप कर लो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, 1,000 भी होने वाला, आप ही लोग के कारण ये सभी चीज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा मुझे एक बूस्ट मिल गया है, तो आप ज़रूर इसको सपोर्ट करो, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन वीडियो के टॉपिक पर, राइट। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पहले बात कर लेते हैं डीवीसी के बारे में, राइट। देखो मैं यहाँ पर एक आर्टिकल से मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ लिख कर भी लाया, क्योंकि मुझे एक और फ़ोन नहीं था तो मैं उसको रीड नहीं कर सकता था, तो मैंने इसे लिख लिया है, मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। सबसे पहले डीवीसी में लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है इस पर कि डीवीसी इस बार नहीं होगा, डीवीसी इस बार पहले जैसे एक अलग से आपको सेंटर नहीं मिलेगा, जो कॉलेज आप सेलेक्ट हो वहीं जाकर देना पड़ेगा, ये सब डाउट्स है और ये यही चीज़ है, राइट। तो यहाँ पर देखो अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि आपको डीवीसी आपको सेंटर मिलेगा या वही कॉलेज में आपको जाना होगा, देखो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो एक वेबसाइट है, वहाँ पास 2023 की बात कर रहा हूँ, 2023 CGPT की बात कर रहा हूँ, ये आर्टिकल वहीं का है, राइट। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक, ओके, कहाँ बुलाया जाएगा, वेरीफिकेशन सेंटर में। अब आपको देखो वेरिफिकेशन सेंटर में बुलाया जाएगा ऐसा लिखा हुआ है, चांसेस है कि आपको बुलाया जा सकता है। मैंने कुछ टीचर से बात किया, उन्हें कहा कि अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कहाँ बुलाया जाएगा क्या है, राइट, अभी आपको सब चीज़ क्लियर होगा, लेकिन अभी हम लोग पहले ही वाला ट्रेडिशन जो मेथड था उसी के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना होगा डीवीसी में, ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो जाए, चाहे आपका डोमिसिल हो गया, आपका 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, जितने चीज़ है आप सबका फोटोकॉपी कर एक फाइल में स्ट्रिप कर उसको रख लो। आपको फोटोकॉपी मिस नहीं करना, फोटोकॉपी लेकर जाना है, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना, उसको भी आपको साथ में लेकर जाना है। एक भी चीज़ भाई मिस मत करना, क्योंकि सेंटर आपके हो सकता है घर के पास नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर, राइट। तो आपको ये चीज़ तो एकदम मैंडेटरी है, आप एकदम अच्छे से इसको फाइल में स्ट्रिप कर सभी चीज़ डॉक्यूमेंट ले जाना। और अब देखो बहुत सारे लोग क्या होता है, फिजिकली तो आपको वहाँ पर विजिट करना है, बहुत सारे लोगों को मान लो बीमारी हो गया, कुछ भी हो सकता है, डेंगू मलेरिया कुछ भी हो जाए, तो वो कैसे करेंगे? अब उनके लिए क्या है, उनके पेरेंट्स को वहाँ पर जा सकते हैं, अलाउ हुआ, पेरेंट्स जाकर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए
मिले यहाँ पर, जो भी बच्चा यहाँ पर बीमार है, जो भी सिख पड़ा हुआ है घर में, उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर ले लेना है, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट जाकर दिखाना है पेरेंट्स को, राइट। तो ये कर लोगे तो पेरेंट्स भी जाकर करवा सकते हैं। और यहाँ पर देखो, पेरेंट्स जाने से पहले आपको पेरेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा। वो कैसे होगा? वेबसाइट में ही पेरेंट्स के जितने भी डिटेल्स आप फिल कर देना, वेरिफिकेशन हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। सो यार देखो, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ पास आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से लेकर जाना है, ठीक है। मैं जब डीवीसी में गया था, मेरे साथ बहुत सारे लोग गए थे, तो वहाँ पास क्या हुआ था, जो भी एसटीसी कास्ट वाले थे उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण उनका सभी चीज़ जनरल से हुआ, राइट। तो उनको जो भी कॉलेज में स्कॉलरशिप कुछ भी वहाँ पास वो नहीं हुआ, राइट। तो ये चीज़ आपको देख लेना, आपको सभी चीज़ जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है सभी चीज़ ओरिजिनल प्लस में आपके उसके डॉक्यूमेंट उसके जो फोटोकॉपी उनको लेकर चले जाना है। तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलूँगा, आपके पास अच्छे से सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। अब देखो, ये हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, तो अब क्या होगा? वेरिफिकेशन जब होगा तो आपको यहाँ पास क्या मिलेगा, यहाँ पास आपको एक रिसिप्ट दिया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको रखे रहना संभाल के, अगर ये आप भूल जाओगे, घुमा दोगे, तो आपका पूरा गया, मेरा वीडियो बनाने कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आपको एकदम अच्छे से इसको संभाल के रखना है। अब इसका क्या होगा, अब आप जब कॉलेज जाओगे, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ वहाँ पास आपको जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पास क्या लिखा, आफ्टर सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट नीड्स टू रिपोर्ट टू देयर इंस्टीट्यूट टू कंफर्म देयर एडमिशन, ठीक है। तो आपको अब कॉलेज जाना है, वहाँ पर इंस्टीट्यूट जाना है, वहाँ पास आपको जो भी रिसिप्ट दिया गया है उसको आपको दिखाना है। अब यहाँ पास आती इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पास आपको क्या चीज़ करनी है। देखो बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी क्या किया था, पैसा लेके नहीं गया था, ट्यूशन फीस लेके नहीं गया था, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था बस एडमिशन हो जाएगा जाकर मैं दिखाऊंगा, लेकिन नहीं, वहाँ पास आपको ट्यूशन फीस लेके जाना होता है। ट्यूशन फीस लेके जाओगे, जो भी पहला सेमेस्टर का फीस है, राइट, वो आप लेके जाओगे, वहाँ पास आपको वो पैसे देने पड़ेंगे, सबमिट करना पड़ेगा। तो अब कॉलेज क्या करेगी, जो भी कॉलेज है वो क्या करेगी, आपको एक प्रोविजनल आपका सीट अलॉटमेंट जो लेटर होता है वो आपको रिलीज कर देगी, प्रोड्यूस कर आपको दे देगी, राइट। उसमें आपका क्या रहेगा, उस लेटर के अंदर आपका जो भी आपका मतलब, उस लेटर का मतलब ये रहेगा कि आपका जो हमारा जो यूनिवर्सिटी है SVTU, वहाँ पास आपके डेटाबेस में वहाँ पास आपका नाम चढ़ गया, राइट। तो आपको वहाँ पास रोल नंबर वगैरह उसमें रहेगा, आपका अलॉटमेंट जो ID रहता है वो वहाँ पास आपका रहेगा, राइट। तो ये पूरा हमारा हो गया DVC से रिलेटेड बातें, राइट। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट, इसको थोड़ा मैं एक बार समराइज कर देता हूँ आपको क्या करना है। अभी कोई भी कंफर्म नहीं है कि DVC कैसे होगा, राइट, कंफर्म नहीं हुआ है अभी, पहले आपको बता दे रहा हूँ कि कॉलेज में ही जाकर करना होगा या अलग से दिया जाएगा सेंटर, कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है कुछ भी होगा, अभी डेट आएगा आगे पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आपको एकदम अगर आप बीमार हो तो आप पेरेंट्स को पहले से वेरीफाई कर रखो वेबसाइट के अंदर, ताकि आपके पेरेंट्स जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन आपका करवा सके, ठीक है। सेकेंड चीज़, आपको पूरे जो भी डॉक्यूमेंट्स है सभी ओरिजिनल लेके जाने, साथ में उसके फोटोकॉपी लेके जाने, ताकि वहाँ पास आपको कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। एकदम ध्यान, डोमिसाइल और एक हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना, राइट। अब ये सब चीज़ें हो गई, और अगर आपका कुछ भी वहाँ पर दिक्कत होती है ना, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया मेरा नाम अलग हो गया, ये अलग हो गया, सब चीज़ अलग हो गया, कैसे करूँ, तो यहाँ पास देखो कुछ भी दिक्कत होगा DVC में जाओगे, वहाँ पास आपको सॉल्यूशन पक्का मिल जाएगा, आप कर लेना, ठीक है। या अगर कास्ट वाला प्रॉब्लम है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ भी इशू है, तो कोर्ट से आपका कुछ एक बन जाता है, लाइक वहाँ पास साइन वगैरह सब चीज़ रहेगा कि हाँ ये इसका सही है, ये बट इसके पास नहीं है, ऐसा कुछ रहता है, वो आप बनवा सकते हो। वो उसको क्या बोलते हैं, उस वर्ड को मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। ऐसा हुआ था जब मैं गया था, बहुत सारे लोग को ऐसा बोला गया था कि आप ये बनवा कर लाओ, नेक्स्ट DVC डेट दिया गया था उनको कि आप ये बनवा कर लाओ, ओके आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ आप देख लेना, पहले से भी करवा सकते हो। तो ये चीज़ हो गया DVC के बारे में। अब बहुत सारे लोग के डाउट थे, भैया स्पॉट राउंड के बारे में बताओ। तो स्पॉट राउंड के बारे में बताने से पहले यहाँ पर मैंने कुछ डेट्स लिखे हैं, मैं आपको पहले उस डेट्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखो सबसे पहला हमारा जो राउंड वन होगा वो कब होगा, 11 अगस्त से 15 अगस्त तक, जो अभी चल रहा है, कल रात तक वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड हमारा राउंड वन अलॉटमेंट कब होगा, अलॉटमेंट मतलब आपको जो भी रिजल्ट आएगा काउंसलिंग का, वो कब आएगा, 17 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ठीक है, 17 अगस्त को आपका राउंड वन का अलॉटमेंट हो जाएगा। अब इसको कंफर्म कराने के लिए आपको क्या डेट दिया गया, 18 अगस्त से लेकिन 21 अगस्त तक आप अपने सीट को कंफर्म कर सकते हो, मतलब आपका सीट फिक्स हो जाएगा उस कॉलेज में, ठीक है। पहला राउंड हो गया, अब पहला राउंड कंप्लीट हो गया, आप सेकंड राउंड पे आते हैं। सेकंड राउंड में देखो 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आपका ये राउंड चलेगा। अब इसके बाद राउंड वन का अलॉटमेंट कब होगा, 29 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब राउंड वन का अलॉटमेंट रिजल्ट आया। अब आपको कंफर्म करने के लिए 31 से लेकर आपको 4 सितंबर तक का डेट दिया जाएगा। अब देखो 31 से 4 तक का डेट दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर सीट अलॉट कर सकते हो। अब आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिन लोगों का 4 तारीख को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, उन लोग मेरे को पार्टी दे देना। क्यों पार्टी दोगे, क्योंकि 4 तारीख को मेरा बर्थडे है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो जो जो यहाँ पास आ रहा है सब मुझे पार्टी दे देना, ठीक है, सीट अलॉट होगा। तो ये हो गया जस्ट जोकिंग, ठीक है। अब आते हैं हमारा, देखो ये सब कंप्लीट हो गया राउंड वन राउंड टू। अब आते हैं हम लोग राउंड, मतलब राउंड से ही बोलेंगे, स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड के अंदर क्या होता है, स्पॉट राउंड के अंदर जिन लोगों का ये दोनों राउंड में नहीं हुआ, जिन लोगों का 10,000 11,000 12,000 13,000 आए हैं रैंक, उन लोगों के लिए अब ये चीज़ आ जाती है। अब इनका स्पॉट राउंड होगा, जो जो कॉलेज मैंने बताया, जो भी अच्छे कॉलेज है आप वहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, जाओ
और वहाँ अगर सीट खाली होगी तो आपको पक्का दे दिया जाएगा सीट कुछ ना कुछ। तो एक ऐसा मत करना कि यार नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं जाता हूँ, आप इग्नोर मत करना चीज़ों को, आप जाओ वहाँ पर, भले नहीं मिला लेकिन जाओ, क्या पता आपको सीट मिल जाए, आपको एक ख़राब कॉलेज में जाने से अच्छा एक अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, राइट। थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा जाओ, ठीक है। स्पॉट ऑन में क्या होता है, वहाँ पर बैठा कर आपको स्पॉट ऑन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा उसको वहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोलेंगे, सॉरी, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। तो पहले एकदम आपको यहाँ पर देख लेना स्पॉट ऑन कम होगा, पहले से एकदम चले जाना आप, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे राउंड थ्री बोल रहा हूँ, अब हम आते हैं एक और डाउट पर जो कि है हमारा यहाँ पास, भैया सीट मिलेगी कि नहीं ये वाला है। तो मैं थोड़ा आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ, थोड़ा चलते हैं हम लोग इस चीज़ पर। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पास ये जो आपका क्वेरी है, यहाँ जाने से पहले आपसे थोड़ा जोक वाला बात हो जाए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, भैया आप एक ही ड्रेस क्यों पहन के करते हो, वीडियो बनाते हो, बहुत कमेंट है। आज आपके इस वीडियोज़ में CGPTE ने बहुत सारे पहले भी आए, तो मैं पहले बता दूँ मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पास थोड़ा सोचना पड़ जाता है क्योंकि खुद से कपड़े धोने पड़ते हैं, PG में रह रहा हूँ सॉरी, तो खुद से कपड़े धोने पड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर समझ सकते हो यार, बहुत तकलीफ है। चल बस रुलाएगा क्या, अभी आप भी आ रहे हो, आपको सब चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही है कारण, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पास क्या है, थोड़ा आपको यहाँ पर स्टैटिक्स बताता हूँ क्या क्या हुआ इस बार CGPTE में। देखो टोटल सेंटर थे हमारे पास 59 सेंटर है ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में, 59 सेंटर्स है जहाँ पर CSV2 फॉलो होती है, मतलब CSV2 यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हैं वो कॉलेजेस, राइट। तो वो सेंटर्स हो गया। अब आते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कितने लोग यहाँ पर इस बार कॉलेज मतलब एग्ज़ाम को दिए, मतलब एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किए, 23,492 लोग, मतलब समझ लो टोटल 23,500 लोग समझ लो अप्रॉक्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए। लेकिन कितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं जो कि आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, अपीयर कितने हुए 13,589 लोग यहाँ पास अपीयर हुए हैं, मतलब समझ सकते हो इसका समझ लो आप बहुत ही मतलब 9,903 लोग अब्सेंट थे, मतलब उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो ये लोग आपके लिए एक समझ लो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प कर देंगे सीट के लिए आपको, क्योंकि ये जिन लोगों ने नहीं दिया एग्ज़ाम को आप देख सकते हो उसका अमाउंट 9,903, मतलब इतने सारे लोगों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो कितने लोग बच गया, 13,589। अब देखो 13,000 में बस यही नहीं कि बस भिलाई में ही यहाँ पर सब आएंगे, देखो बहुत सारे लोग GCs में चले जाएंगे, 3 GCs है सब चले गए। अब और भी गवर्नमेंट कॉलेज है जैसे कि अंबिकापुर हो गया, राजनांदगांव, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हम लोगों को पता नहीं है वो सब चीज़ें, वो सब गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारे लोग के सीट्स अलॉट हो जाएगी। अब बसता है हमारा बिलासपुर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बस बिलासपुर में ही पढ़ना चाहते हैं, राइट। तो उन लोगों को बिलासपुर में हो जाएगा, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं यार, चौकसी हो गया, JK हो गया, और बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं वहाँ पास भी लोग पढ़ते हैं, तो वो हमारा सीट हो गया पूरे। अब आता है रायपुर में देखो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, संकरा, रुंगटा, BIT के जो सब ब्रांचेस हैं वहाँ भी है, वहाँ हो जाएंगे, और एक तो रायपुर इंस्टीट्यूट, बहुत सारे कॉलेज हैं रायपुर के अंदर CSV2 को जो फॉलो करती है वहाँ भी सीट अलॉट हो जाएंगे। अब बसता है बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया संकरा और रुंगटा में क्या हमें सीट मिलेगा अगर हमारा रैंक 10,000 11,000 इस तरीके का आया है। तो यहाँ पर देखो अब बच्चा हमारे पास भिलाई, अब भिलाई के अंदर हमारे पास भी बहुत सारे कॉलेज आ जाते हैं और सब जगह सीट्स अच्छे खासे भरते हैं, बहुत सारे कॉलेज है भिलाई के अंदर, तो वहाँ पास भी होंगे। तो ले देकर देखो आपको हो सकता है सीट मिल जाएगा यार, तो आपको क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है और आपको पहले से काउंसलिंग के राउंड में अप्लाई कर देना है, छोड़ना नहीं, पहला प्रेफरेंस में डाल दो रुंगटा, पहले में संकरा डाल दो। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोग के बहुत ज़्यादा रैंक आए हैं और उनको टेंशन हो रहा है कि मुझे CS मिलेगा कि नहीं रुंगटा संकरा जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर देखो आपको पहले राउंड में कर देना पहला और सेकंड प्रेफरेंस, अगर वहाँ भी नहीं मिला तो सेकंड राउंड में पहला और सेकंड प्रेफरेंस डाल लेना, हो सकता है कि आपको सेकंड राउंड तक ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा थर्ड राउंड में वही कॉलेज चले जाना, आपको वहाँ पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ, अब डिपेंड करेगा कितने नंबर्स ऑफ सीट वैकेंट है उस कॉलेज के अंदर, राइट। तो मैंने आपको ये सभी चीज़ बता दिया, ये जो बंदे थे जो एग्ज़ाम ने दिए 9,903 लोग, अब यही इन्हीं के कारण आपको जो है सीट मिलने वाला है, ठीक है। तो यही था यार कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा लोग। मुझे परसों ही कॉल आया एक बंदे का जो मुझे बोल रहा था 10,000 भैया रैंक आया कैसे मेरा होगा, ड्रॉप आउट हूँ 2 से 3 बार, कैसे करूँ। तो ये सब भी आए हैं टेंशन, लोग हो रहे हैं, राइट। टेलीग्राम पे इतने आ रहे हैं मैसेज, इंस्टाग्राम पे तो इतने मैसेज आए हैं मुझे खोलने में डर लग रहा है, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, राइट। लेकिन मैं एक एक कर क्या करता हूँ, जब भी समय मिलता मैं एक एक कर उठाता हूँ कमेंट्स, कुछ मैसेज उठाता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, टेलीग्राम में उठाता हूँ मैसेज, रिप्लाई करता हूँ, और यूट्यूब में तो पूछो नहीं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, लेकिन मैंने किसी भी कमेंट को छोड़ा नहीं, सभी के मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं आपकी 100% हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपकी क्या तकलीफ है, राइट। तो यहाँ पास हो गया, यही आपको बोलना था आज की वीडियो में। आपको एक बार लास्ट में एक बार चीज़ बोलना चाहूँगा,
अब देखो आपका कॉलेज ये जो था आपका ये जो प्रोसेस था ये कंप्लीट हो गया, हो जाएगा अब कुछ दिनों में कुछ मंथ्स में, अब आपका नेक्स्ट होता है कॉलेज चालू होने वाला। अब यहाँ पास से आपकी एक जर्नी चालू होगी, एक लाइफ चालू होगा, राइट। तो यहाँ पास आपको कॉलेज लाइफ में आ जाओगे, सीएस वालों आपको कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, सीएस वालों आपको सब्जेक्ट जो कॉलेज में सब्जेक्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा, राइट। आपको कम्युनिकेशन स्किल, नेटवर्किंग स्किल, ये सब इंप्रूव करना होगा, आपको नए नए स्किल्स, आपको सर्टिफिकेशंस करने होंगे, तो ये सब चीज़ के लिए एक गाइडेंस चाहिए। तो यहाँ पास देखो वैभव टॉक्स में आपको सब चीज़ मिलने वाला है, आपको मैं हर एक सब्जेक्ट, मैं बहुत सारी चीज़ लाने वाला हूँ, अभी फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ आने वाली है, आपको कोडिंग से लेकर हर चीज़ मैं सिखाऊंगा, बहुत सारे कंप्लीट कोर्सेज भी आने वाली है। तो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जिस डेप्थ में मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम छोटी छोटी पॉइंट भी चीज़ बता रहा हूँ, वो आपको मेरे को नहीं लगता है कोई बताएगा, स्पेशली जो लोग छत्तीसगढ़ के अंदर है इनको बहुत ही कम ही गाइडेंस मिलता है। तो मेरा बस यही मोटो है कि यहाँ पास एक इन्वायरमेंट चेंज करना है, तो ये सब चेंज होगा अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो, ठीक है, आप ज़रूर करो। और बहुत सारे गिव अवेज भी आने वाले चैनल के ऊपर, जैसे 1000 होगा मैं पक्का गिव अवे करने वाला हूँ, और गिव अवे कुछ भी नहीं, आपके कोडिंग से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कुछ भी मैं गिव अवे कर सकता हूँ, आपके कंप्यूटर पार्ट्स से रिलेटेड, कंपोनेंट से रिलेटेड भी। तो आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, गिव अवे भी आने वाली है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आने वाली है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने सभी चीज़ें आपके क्लियर की है। अब इसके बाद CGPET से रिलेटेड वीडियो नहीं आएगी, ऐसा एक्सप्लेनेशन वीडियो, एक दो वीडियो आएगा जिसमें आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए मतलब आपको कुछ भी कॉन्ग्रेचुलेशन वीडियो आ सकते हैं, तो वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास से मैं अब नहीं लाऊंगा, जो भी रहेगा मैं आपको कमेंट्स वगैरह में क्लियर करूंगा। एंड यस, आपको मुझे टेलीग्राम में कर लेना, मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि ये कोडिंग वगैरह में अच्छे, उनको मैं ऐड करूंगा। आप जब कॉलेज लाइफ में जाओगे वहाँ पास आपको कुछ भी डाउट्स आएगा वहाँ पास, तो आपको स्क्रीनशॉट भेजना है कोडिंग का, और मैं और मेरे फ्रेंड्स मिलकर आपके डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पास देखो आपको कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, मेरा पूरा सपोर्ट है आपके लिए, पूरे 4 साल तक सपोर्ट रहेगा। तो आप बस टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ और वो सब्सक्राइब बटन कर लो, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो डेट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाता है, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय। माइक्रोफोन चेक, मेक इट अ माइक्रोफोन चेक, गिव इट अ माइक्रोफोन, आई मेक द मेक इट अ माइक्रोफोन डेड, डोंट स्टेप टू मी न्यूबी, आई कैन ट्रूली बी मूडी, आई कुड हैव प्लेड द फकिंग ग्रिंच इन द मूवीज, आई बीन अ पार्ट